जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिन आगम। हमारे शास्त्रों में जो भी कहा गया है वह 100% सत्य कहा गया है और इसके प्रमाण भी हमें आज के ज़माने में देखने को मिलते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत काल में हुए परम पूज्य एकेयराज भगवान नैमिनाथ के बारे में। चलिए जानते हैं भगवान नैमिनाथ के बारे में कुछ प्रमाणिक तथ्य। जैन शास्त्रों के अनुसार महाभारत के काल में नैमिनाथ तीर्थंकर हुए थे। उनकी ऊंचाई थी 10 धनुष यानी तकरीबन 30 फीट। इसके प्रमाण ऊंचाई के अनुपात से रहन सहन इत्यादि पेरू राज्य में इंका संस्कृति में मिलते हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इनकी ऊंचाई अंदाजन 18 फीट है। इन सीढ़ियों के बाएं बाजू में छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, यह आज के ज़माने की हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद मिलता है भव्य सूर्य मंदिर। इस मंदिर में जाने के लिए ही उस काल में यानी तकरीबन 5000 साल पहले ये सीढ़ियां बनाई गई थीं। हमारे कहने का तात्पर्य एक ही है, शास्त्रों में जो कहा गया है वह 100% सही कहा गया है और आज के ज़माने में उसके प्रमाण भी मिलते हैं। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।